श्री राधा रमण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्वानंद की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रतियोगिता हुई, शंकर भगवान ने ही फार्मूला निकाला, कैसे बड़ा कैसे छोटा करें, हम तुम दोनों लड़ लड़ के मर जाएंगे और दोनों का ही विवाह नहीं हो पाएगा। तो पार्वती दोनों में कौन श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसको छोड़ दो, कौन जल्दी इस प्रतियोगिता को जीत के आता है उसका विवाह पहले करो। शंकर पार्वती ने आज दोनों बालकों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा का आदेश कर दिया। भगवान कार्तिकेय जी परिक्रमा करने के लिए आज्ञा लेकर प्रणाम करके मोर की सवारी करके चल पड़े। भगवान गणेश स्थान पर खड़े हो गए हैं, जाना नहीं चाहते। माता पार्वती बेग बेग कर रही है, हे पुत्र शीघ्र जाओ, कार्तिकेय परिक्रमा के लिए चले गए हैं, तुम यही खड़े रहोगे तो परिक्रमा कैसे होगी और कैसे तुम्हारा विवाह होगा, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। भगवान गणेश माता पार्वती को प्रार्थना करते हैं, मां आपने ही उपदेश दिया था मुझे बालपन में कि भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ हैं, सारा भूमंडल इनमें समाया है और आप जगत जननी हैं, सारा जगत धरती सब आप में समाई है, इसलिए हे मां मैं नहीं जाना चाहता आपको छोड़कर, जब आप ही समस्त संसार के अधिपति है, समस्त धरतियां समस्त आकाश आप में समाये हैं, तो मेरे लिए आप ही संसार है, आप ही पृथ्वी है। गणेश जी ने अपने माता पिता के परिक्रमा की, सात परिक्रमा की अपने माता पिता की गणेश जी ने, परिक्रमा करके खड़े हो गए। भगवान शिव ने पार्वती को कहा, पार्वती ये तो ठीक नहीं है। पार्वती ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है ठीक नहीं है, पर गणेश तो ज्ञानी है और उसने इस पवित्र ज्ञान के कारण ही ये सब किया है। आपने स्वयं ही गणेश को उपदेश किया, मैंने स्वयं उपदेश किया, तो गणेश जो किया सही है, गणेश जो कर रहा है वो सही तो है। माता पिता का स्थान कितना ऊंचा है बालक के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए। भगवान शिव की कथा से यह महसूस हो रहा है कि एक बालक माता पिता को सारी दुनिया से बड़ा मान करके, सारी धरती आकाश मान करके घर पर पूज लिया और उसे सफलता मिली, उसे फल प्राप्त हुआ। मुझे तो भाई यही लगता है, माता पिता का इतना ही बड़ा सम्मान होना चाहिए। आप धरती पर जाओ, तीर्थ करो, यात्रा करो, धाम पर धाम सब जगह जाओ, पर समय आने पर अपने माता पिता को भी सर्वोपरि देवता मानकर उनका भी सम्मान करो, प्रतिष्ठा करो। आप जैसे मैंने देखा कल आज दोनों दिन में गंगा जी पर गया तो मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ तो लोग परिक्रमा करने लग गए वहां, ऐसे मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब आपको लगता है कि गुरुजी में सब धाम है, परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा करते हैं, तो ऐसे ही यथा समय अपने अपने माता पिता की भी परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए, उनको भी ये मान मिलना चाहिए, उनको ये सम्मान मिलना चाहिए, ये प्रतिष्ठा उनको मिलनी चाहिए, आवश्यक है। हमारा ही भविष्य उससे चमकेगा। माता पिता को ढोक मारकर परिक्रमा करके जो प्रणाम कर लेते हैं शाम को सुबह,
आते जाते मैं कहता हूं उनके बाल गोपाल हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कई पीढ़ियों तक आनंद भोगते हैं और ऐसे बालक हमेशा निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्या जाता है, अरे जिन्होंने शरीर दिया, अपने पेट में रखा, कितना एहसान है उनका। हैं? आप जो सुबह खाते हैं उसे आप एक दिन पेट में रख के दिखा दो, बीमार हो जाएंगे महाराज। रात का खाया सुबह नहीं निकला तो बीमार दिमाग हो जाता है, 9 महीने तक पेट में लेके घूमती है माँ, और 9 महीने बीमार ही रहती है पर फिर भी खुश रहती है। ऐसी माँ को पाकर कोई माँ का अपमान कर दे ऐसा धूर्त कहां करे। पर युक्तान ममतोन पुण्याम च, कुछ माए भी बेड़नी होती हैं, कुछ माए अच्छी नहीं होती हैं, कुछ माताओं की औलाद अच्छी होती है, माएं बड़ी दुष्ट होती हैं। पेट में रखा उसने जो किया वो ठीक है, पर मां का भी हाल बुरा रहता है तो फिर ऐसी मां का क्या करें। पर हमें तो पेट में रखा है, हमें पनप दिया है, हमें बड़ा किया है, तो भी उसका एहसान तो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उस एहसान को आप सेवा करके ही चुका सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है चुकाने का। बंधुओं, समय पर उसने अपना काम किया तो समय पर हमें अपना काम करना चाहिए। बाद में हमने देखा कि हमारी मां का अच्छा नहीं है व्यवहार, मानसिक रूप से आप उन्हें मानो मत मानो, पर जो समय तुम्हें दिया, जो पालन तुम्हें दिया वो तुम भी करो। समय आने पर खिलाओ, समय आने पर निलाओ, समय आने पर कपड़ा बदलो, जो तुम्हारी मां ने तुम्हें किया। संस्कार जो मां अपने बच्चों को अच्छा नहीं देती, वो मां बुढ़ापे में कभी बच्चों से सेवा नहीं ले सकती। इसीलिए हर एक माता पिता को चाहिए कि बच्चों को कपड़े पुराने पहनाओ पर संस्कार शास्त्र के ही दो, शास्त्र के ही दो। रोटी बासी खिला दो, नहीं है ताजा, पर संस्कार शास्त्र के दो, क्योंकि बुढ़ापा जब आएगा तो बच्चे तुम्हें छोड़ के चले जाएं, ऐसा ना हो जाए। खिलाने में, पिलाने में, कपड़ा बदलने में, तुमने जो शौक में, जो तुमने प्यार लड़ाया, तुमने अपने आप से बच्चों को दूर किया, ऐसा समझो। जिन बच्चों को बचपन में शौक मौज करने को नहीं मिलती, वो बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा अवश्य करते हैं, ध्यान करो। और जिन बालकों के बचपन में सारे शौक पूरे करवा दिए जाते हैं, वो बच्चे कभी सेवा नहीं करेंगे। आप कहेंगे महाराज तो फिर क्या करना चाहिए, राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, उनसे सीखो। कृष्ण का एक भी शौक पूरा नहीं किया नंद यशोदा ने, बांध बांध के खंबे से सजा दी, और एक शौक पूरा किया, जिद पूरी की, तो वो केवल है गाय चराने की जिद, और कोई जिद पूरी नहीं की। शास्त्र का संस्कार दिया, नंद यशोदा जो ज्ञान दे नहीं सकते थे उसके लिए सांदीपनी परी के आश्रम में भेजा, अवंतिकापुरी में जाकर बेहड़ जंगल में। इतना लाड़ का बच्चा, इतना प्यार का बच्चा, इतना विनती का बच्चा, इतना मन्नतों का बच्चा कृष्ण, इतना बुढ़ापे में आया हुआ बालक कृष्ण, दिल के कलेजे के टुकड़े को छोड़ दिया साधु के पास, तभी तो वो भगवान बन के वापिस आया। सोने के पलका पे सोने वाले राम, सोने के पलना में झूलने वाले राम, नंगे पैर कांटों के जंगल में वशिष्ठ आश्रम में रह रहे हैं महाराज, रूखा सूखा खा रहे हैं महाराज, धरती में सो रहे हैं महाराज, गाय का गोबर बीन के ला रहे हैं महाराज, ये राम कर रहे हैं, तब जाके भगवान बने हैं। ज्यादा बचपन के शौक आदमी को हैवान बना देता है, भगवान नहीं, इंसान नहीं, हैवान।
आप जिन बच्चों को शौक मौज करवाइए उन बच्चों से फिर आप 10 साल की उम्र में भी अपना कहा करवा लीजिए। 10 साल का बच्चा ही तुम्हारी नहीं सुन रहा, क्यों? हमने ऐसा बनाया है उसे जिद्दी। गणेश जी ने परिक्रमा कर दी, कार्तिकेय परिक्रमा के लिए पूरी पृथ्वी पर गए हुए हैं और श्री गणेश परिक्रमा करके अपने माता पिता की, यानी कि उसे जिस तरह भी देख सकते हैं कथा को कि वो तो भगवान है शिव, वो पार्वती जगत जननी है, उन्हें हम सामान्य मां बाप नहीं मान सकते। पर हां, मां बाप उतने ही उच्च होते हैं जितने पार्वती और शंकर हैं, ये ध्यान रखना। गुण अवगुण सब में होते हैं, कम या ज्यादा। ये निश्चित हो गया कि गणेश ने सही किया है, उचित किया है, ये अनुचित नहीं है। कार्तिकेय के साथ में ये कोई फरेब या गद्दारी नहीं है, शास्त्रीय कर्म किया है गणेश ने। कार्तिकेय जो करने गए हैं वो अभी शास्त्रीय कर्म है, पर वो बृहद रूप से है, और कार्तिकेय के बाद गणेश ने जो किया है यह भी शास्त्रीय कर्म है, पर यह मानसिक रूप से है, ये अल्प रूप से है। दोनों ही सच है, दोनों ही परिक्रमा सच है, दोनों ही लौचिक सच है। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों राजी हो गए। अब तो गणेश ने जो प्यार पाया है, दोनों माता पिता ने हाथ रख दिया पुत्र को, अब तुम्हारा विवाह का योग बनेगा, तुम सफल रहो, संयुक्त रहो, तुम्हारा अच्छा संसार हो और तुमको अच्छी गृहिणी प्राप्त हो। इतने ही देर में भगवान ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह करने के लिए शंकर भगवान को आमंत्रण दिया। पार्वती को पता चला, पार्वती जी ने विवाह स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा की मानस पुत्रियां दोनों के साथ में भगवान गणेश का विवाह निर्द्वंद संपन्न हो रहा है। भगवान शंकर गणेश की बारात लेकर ब्रह्मलोक में गए। राजस्थान की पावन धरती पर बारात गई कैलाश से, सब देवी देवता बारात में गए और धूमधाम से भगवान गणेश का विवाह हुआ। और गणेश के विवाह के बाद में भगवान रिद्धि सिद्धि को लेकर कैलाश पर आ गए। कैलाश पर हर्ष मचा हुआ है, आनंद मचा हुआ है, पर अंदर अंदर शंकर भगवान को टेंशन और दिक्कत और डर पैदा हो रहा है। कार्तिकेय क्या कहेगा, कार्तिकेय को क्या करेंगे, कैसे समझाएंगे, भय पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है, दिक्कत पैदा हो रही है अंदर अंदर। और हर्ष वातावरण में आनंद में भी शंकर भगवान है कैलाश पे, क्यों? क्योंकि अब रिद्धि और सिद्धि कैलाश पे पहले कभी नहीं आई, अब रिद्धियां और सिद्धियां भी कैलाश पर पहुंच गई है महाराज। जब रिद्धि सिद्धि कैलाश पर पहुंच गई हैं तो शुभ और लाभ भी आ जाएंगे। थोड़े समय के बाद में शुभ लाभ का भी जन्म हुआ। शंकर भगवान के कैलाश में अब तो बाल गोपाल किलकारी कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है कैलाश के। पर्वतों में चारों ओर आनंद ही आनंद बिखरा हुआ दिख रहा है बाल गोपाल की वजह से, शुभ और लाभ की वजह से। कैलाश में अब तो शुभ ही शुभ और लाभ ही लाभ है। अब कहीं किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, किसी किसी के चरणों में दिव्य योग होता है और वो योग इनको है। किनको? रिद्धि सिद्धि को। रिद्धि सिद्धि के आने के बाद पूरे कैलाश पर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है।
पहले कैलाश पर कभी कभी युद्ध होते रहते थे, अब वो सारा खेल खत्म हो गया, पैर पड़ते से लड़ाई झगड़ा खत्म। किसी के पैर में ऐसी बरकत होती है, पैर पड़ते से ही घर में शांति आ जाती है, झगड़े मिट जाते हैं, ग्रह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, आनंद आ जाता है घर में। इसी उस परम आनंद को पाने के लिए ही आपको भी ये सब करना पड़ेगा। आपके घर में शुभ हो, आपके घर में लाभ हो, तो उसके लिए आपके घर में रिद्धि और सिद्धि आए। रिद्धि और सिद्धि कैसे आती है? ऐसे ही आती है, अपने गुरुजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने पालनकर्ता को, अपने जन्मदाता परमात्मा को हमेशा आप मान्यता दो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें प्रतिष्ठा दो, सब सिद्धि आ जाएगी। रिद्धि आ गई सिद्धि, और शुभ होगा और लाभ होगा। आप जन्मदाता को, पालनकर्ता को, ज्ञानदाता को अगर आप सम्मान नहीं दोगे, श्रद्धा और प्रेम नहीं दोगे, तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा फिर घर में? घर में टेंशन आएगा, क्लेश आएगा, नुकसान आएगा, घाटा आएगा, आया हुआ काम हाथ से चला जाएगा। क्योंकि कर्म खोटा करेंगे तो कर्म कभी भी सच्चा होने वाला नहीं है। खोटा तो खोटा ही होगा, सच्चा तो सच्चा होगा। रोटी बाजरे की पकी है तो गेहूं का स्वाद नहीं आएगा, गेहूं की पकी है तो बाजरे का नहीं आएगा। अगर कर्म खोटा है तो वो सच का आनंद नहीं देगा। क्या करें महाराज? यही करो जो हम कह रहे हैं आपसे। जो तुम्हारे हित का काम कर रहे हैं उनको मान प्रतिष्ठा प्रदान करो, जो तुम्हारे जीवन को देकर बड़ा किए उनको मान प्रतिष्ठा प्रदान करो। हवा पानी आकाश जो दे रहे हैं उनको मान दो, प्रतिष्ठा दो। भगवान चाहे हमें दिखता नहीं है पर उसे मानिए, मानो, उसे प्रतिष्ठा प्रदान करो। प्रदान करो प्रतिष्ठा। लोग मान नहीं देते, इसीलिए दुख में पड़े रहते हैं। बोलो, अपन गंगा के घाट जाते हैं सुबह, तो अपन परमार्थ आश्रम में से ऊपर चढ़ते हैं रोड पे और फिर उतरते हैं गंगा की तरफ। उस रोड पे कुछ लोग बैठे रहते हैं, बीड़ी पी रहा है कोई, तमाकू खा रहा है, लाल कपड़े में कई बाबा टाइप भी हैं, साधु टाइप भी हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गंगा को मान नहीं दे रहे हैं। गंगा को मान नहीं दे रहे तो गंगा उनको मान नहीं दे रही है। कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई वैल्यू नहीं, पड़े हाथ फैलाने पड़ रहे हैं लोगों के सामने। इसीलिए जब आप देव को मान प्रदान करेंगे तो रिद्धि पैदा होगी, सिद्धि पैदा होगी, फिर शुभ पैदा होगा, फिर लाभ पैदा होगा। अकर्मण्य को कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा। कर्म खोटे किए भजन ईश्वर का करने से क्या फायदा, भजन कम भी करोगे तो चलेगा पर कर्म सच्चा होना चाहिए। अच्छा बोलो, ब्रह्म कुंड पे भी कोई तमाकू खाए तो कितना बड़ा पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है, और वहां तो सब खा रहे हैं तमाकू, जितने भी वहां आला माला भेक रहे हैं सब तमाकू खा रहे हैं ब्रह्मकुंड पे। ब्रह्मकुंड क्या इनके पाप जलाएगा, इनके पितरों को तारेगा? कभी नहीं। अगर आप ब्रह्मकुंड को ब्रह्मकुंड मानेंगे तो वो आपको अपना भगत मानेगा, आपने माना नहीं तो वो भी मानने वाला नहीं है। बोलो, मैं व्यासपीठ पर बैठा कथा सुना रहा हूं और मेरे सीधे गाल में अकल दाढ़ पे तमाकू घुसड़ी पड़ी हो, तो जब मैं ही व्यासपीठ का अपमान कर रहा हूं तो व्यासपीठ मुझे कहां से सम्मान दिलाएगी? चार छह कथा होंगी बाद में बंद, दस बीस हो जाएंगी बंद। आपको निरंतर ये नियम पालन करना पड़ेगा।
तब आप हमेशा चलते रहोगे, दुनिया आपको मानती रहेगी। बंधुओं, आपके घर में शुभ हो, लाभ हो, उसके लिए महात्मा कह रहे हैं, इस जीवन को ऐसे मत डालो कचड़ा समझ करके, इस जीवन को अनमोल रतन समझ के सजो कर फूलों में रखो। यह मानव का शरीर, मानव का देह बार बार उपलब्ध नहीं होगा। ये कथा, ये हरिद्वार अपने को नहीं मिलेगा। मान लो अपन हरिद्वार में पैदा भी हो जाए गधा घोड़ा बन के, तो फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। कर्मों की जंजीर न तोड़ी का तोड़ दिया, मोह माया में फंस कर बंदे पाप से नाता जोड़ लिया। मोह माया में फंस कर बंदे पाप से नाता जोड़ लिया। मोह माया में फंस कर बंदे पाप से नाता जोड़ लिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। ओ माया में फंस कर बंदे, ओ मोह माया में फंस कर बंदे पाप से नाता जोड़ लिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी प्यारे प्रभु का तोड़ दिया। तो ठीक है, जंजीरें
तोड़ी, प्यारे प्रभु का तोड़ दिया, पर उसको कस दिया है, कस दिया है, वो तोड़ी आवाज भी निकल नहीं रही, कितना चीखे चिल्लावे को, वो कस के रखा है, उसको ढीला कर, बंदे पाप से नाता जोड़ लिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु से तोड़ दिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु से तोड़ दिया। सतगुरुदेव भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। शुभ चाहिए तो शुभ कर्म करो, जो द्वंद, जो क्लेश, जो तकलीफ आपको हुई है, ये सब अपने ही कर्मों का फल है, ये किसी ने बंधुओं, चाहे आपको किसी से भी तकलीफ हुई है, ये सब आपका ही कर कमाया हुआ धन है। दुख के रूप में, बीमारी के रूप में, अपमान के रूप में आपके पास आता है आपका धन, आपका कर्म। आज शुभ और लाभ दोनों खेल रहे हैं शंकर पार्वती के पास। 3 बरस के बाद में भगवान कार्तिकेय लौटे धरती की परिक्रमा करके, गए थे परिक्रमा में फल पाने के लिए कि विवाह हो जाए, पर जैसे ही परिक्रमा करते करते महात्मा संत मिले, ज्ञानी ध्यानी मिले, सत्संग मिला, कार्तिकेय भगवान के मन से विवाह का सारा लालच खत्म हो गया। तीर्थ करते 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 कार्तिकेय महाराज के दिमाग में ये हो गया कि अब मुझे गृहस्थ में नहीं जाना है, अब केवल मुझे भजन करना है, पर एक बार अपने माता पिता का दर्शन कर आऊं और उनको कह दूं कि मेरा बस अब संसार समाप्त हो गया, आपके कृपा से बहुत लोग हैं
तीर्थ में आते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा वो विवाह मांगते हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे वो बच्चे मांगते हैं, जिनको नौकरी नहीं लग रही वो नौकरी मांगते हैं, उसके लिए गंगा पूजा करते हैं, कावड़ उठाते हैं, पानी गंगा ले जाते हैं, शिव जी पे चढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं। कार्तिकेय भगवान ने भी इच्छा की थी कि मेरा विवाह हो जाएगा तीर्थों के आशीर्वाद से, पर जब उन्होंने ज्ञान लिया, सत्संग लिया महात्मा संतों का तीर्थों में, तो उनको लगा कि संसार में विवाह नहीं, भजन ही साथी है, इसीलिए भजन में ही जीवन जाना चाहिए। शादी साथी नहीं है जीवन के, विवाह जीवन का साथी कब तक है? जब तक दोनों हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक को कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ता है, अकेला आदमी रह जाता है। सदैव साथ नहीं रहता ग्रस्त में, साथ छूटता है। कभी साथ ना छूटे उसके लिए एक ही मित्र भगवान है, उनका साथ कभी नहीं छूटता। भजन ही है तेरा अंत में साथी, काम सदा तेरे आएगा। कार्तिकेय भगवान घर पर आए, कैलाश में माता पार्वती और शंकर शर्मा गए। क्या बोलें अब कार्तिकेय को, क्या कहें? कार्तिकेय ने शिव पार्वती के पास में बालक देखे खेलते, कार्तिकेय हैरान हो गए। गणेश अपनी दोनों पत्नियों को लेकर आए। कार्तिकेय भगवान तीर्थ से आए हैं तो छोटा भाई होकर गणेश ने पत्नी सहित प्रणाम किया चरणों को और कहा, भैया अपने छोटे भ्राता को और उनकी भार्याओं को आशीर्वाद दो। कार्तिकेय ने संपूर्ण तीर्थों का फल अपने गणेश को दे दिया। बाद में ज्ञान हुआ, शंकर भगवान पार्वती ने कार्तिकेय को समझाया, पुत्र नाराज मत रहना, गणेश का विवाह इस तरह हुआ, गणेश ने इस तरह की लीला की, अब तुम्हारी परिक्रमा हो गई है पुत्र, अब तुम्हारा विवाह होगा, नाराज ना हो। कार्तिकेय कहते हैं, माता पिताश्री, मैं विवाह के लिए नाराज नहीं, मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहता हूं, अब मुझे विवाह नहीं चाहिए, मैं तो आपसे आखिरी आशीर्वाद लेने आया हूं तीर्थों के बाद, क्योंकि आप मेरे महातीर्थ माता पिता हैं, आपके बगैर कोई तीर्थ कैसे फल देगा, इसलिए संपूर्ण तीर्थों का फल तभी मुझे प्राप्त होगा जब माता पिता आशीर्वाद देंगे। आपके चरण छू के गया था, तीर्थ पूरा हो गया, चरण छूने आया हूं, अब तो मैं केवल आपका भजन करूंगा, अब मुझे विवाह नहीं करना है। अब तो माता पार्वती परेशान हो गई। मां पार्वती को लगा कि कार्तिकेय नाराज हो गया मुझसे, इसीलिए विवाह नहीं कर रहे कार्तिकेय। पार्वती कह रही है, पुत्र मुझसे नाराज मत रहो, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। हां, मैं गणेश का विवाह चाहती थी पहले, पर जब गणेश ने यह परिक्रमा दी हमारी और तुम्हारे पिता की, तब मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मैं लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर हे पुत्र, गणेश ने जब हमें समझाया तो लगा कि नहीं, गणेश ने उत्तम ही कर्म किया है, आज तुम भी उत्तम कर्म करके आए हो, अब तुम्हारा विवाह होगा पुत्र, ऐसे रूठ के मत जाओ, रुको पुत्र, रुको पुत्र। अब तो भगवान श्री कार्तिकेय सीधे कैलाश से निकल पड़े दक्षिण दिशा की ओर, कौंच पर्वत की ओर, आगे आगे कार्तिकेय भगवान और पीछे पीछे शंकर और पार्वती। भक्ति में शक्ति होती है,
आप ये तीर्थों में निरंतर यात्रा करने को भी आप व्यर्थ मत समझना, पर संपूर्ण तीर्थों में निरंतर यात्रा करते रहना ही अर्थ है। ऐसे नहीं कि एक तीर्थ कर लिया फिर जाकर के पाप कर लिया, फिर चलो दूसरा तीर्थ कर आए फिर पाप कर लिया, अब चलो चौथा कर आए फिर पाप कर लिया, फिर केदारनाथ चले जाए फिर पाप कर लिया। अब तो इस बार तो महाराज हम लोग जो है ना बामन आदमी है, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी बामन है बामन। हाँ जगन्नाथपुरी क्या कर रहे हो 8 साल से लगातार पाप की पोटली बना रहे, जगन्नाथपुरी में जाके खोलेंगे? ऐसे तीर्थ नहीं करना। तीर्थ करने निकल पड़े तो सभी तीर्थों को करके एक बार फ्री होके तब घर जाओ, माता पिता के पैर छुओ, पत्नी परिवार जो भी होंगे उनके पास में लौट के जाओ। तीर्थ का भी बड़ा फल भक्ति ही है, तीर्थ में आना ही भक्ति है, पर ये इस तरह आना जाना तीर्थ में ये भक्ति नहीं है, ये चलन है, ये परंपरा है। सब तीर्थ कर लो तो बहुत लाभ होता है। अच्छा सुनो, एक बार हॉस्पिटल गए तो पूरा चेकअप हो जाए तो खतरा मिट जाता है दिमाग से। आप गए सिर में दर्द हो रहा तो आपने एक ही रिपोर्ट निकलवाई, सिटी स्कैन कर लिया खोपड़ी का और पेट का पीठ का सब रह गया, और दरअसल में ये बीमारी सिर में थी नहीं, पेट में थी, पेट में से सिर में पहुंची, तो बीमारी की जड़ का काम खत्म हुआ नहीं, ऊपर ऊपर हो गया। इसीलिए एक बार गए तो सब रिपोर्ट कर लो, सारा चेकअप कर लो, एक बार आए हो तो सब तीर्थ कर लो, ऐसा सोच के तीर्थ में रहो। और जाने आने का सामर्थ्य ना हो तो अपने माता पिता गुरु भगवान में ही तीर्थ मानकर उनकी सेवा अर्चना करते रहो, आनंद लेते रहो। कार्तिकेय भगवान चले गए रुके नहीं, पार्वती को कार्तिकेय से अति मोह हो गया है। जिन कार्तिकेय को पार्वती ज्यादा चाहती नहीं थी आज वो अति मोह में पड़ गई। कारण क्या है? क्योंकि गणेश के प्रति मोह कम हो गया पार्वती का। कारण है गणेश का विवाह होना, उसकी दो दो पत्नी होना, गणेश भगवान माँ को टाइम कम देते हैं, इसीलिए माता पार्वती का भी मोह भंग हो रहा है। और ये पक्की बात समझ लो, हर घर में यही कहानी है। विवाह से पहले जो बेटे के साथ में माँ का संबंध रहता है वो विवाह के बाद में रहता नहीं है, अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि बेटा भी ऐसा नहीं रहता पहले जैसा। अब वो ऐसा नहीं है तो माँ वैसी नहीं रह सकती। अंदर से पुत्र को पूरा चाहती है पर व्यवहार वैसा नहीं कर सकती जैसा पहले था। क्यों? क्योंकि माँ की जगह पत्नी बेटे को सुख दे रही है तो बेटे का भी आकर्षण पत्नी में ज्यादा है। अभी माँ सुख उतना देती नहीं जितना पत्नी देती है तो बड़ा चेंज हो जाता है, तो माँ का भाव भी चेंज हो जाता है धीरे धीरे। बंधुओं, आज माता पार्वती का भाव कार्तिकेय से जुड़ गया, गणेश से कम हो गया। कार्तिकेय के साथ कैलाश छोड़ दिया माता पार्वती ने, कहीं दुनिया मुझे नाम ना रख दे कि ये पार्वती ने नहीं जना था, इसलिए पार्वती ने अपने छोरा को ब्याह कर लिया और बेचारे शिवजी के लाला को ब्याह ना होने दियो, या बदनामी की वजह से थू थू ना करे दुनिया। कार्तिकेय के पीछे 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 मनाती मनाती दक्षिण में पहुंच गई, कौच पर्वत पर 15 दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को मनाया। 15 दिन पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक कार्तिकेय नहीं माने। बार बार कहते मां मैं तो तुम्हारा ही ध्यान कर रहा हूं और आपके ध्यान में आप ही बाधा बन रही हो, मुझे मत प्रपंच में डालो, और मेरा एक ही वचन है अब केवल ध्यान करूंगा विवाह नहीं करूंगा। अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक भगवान शंकर मना रहे हैं महाराज। षष्ठ मासौ यथा पूर्वम दुहितो कर्म विभूषण,
मात्राः च पित्राणां वधूः एकं ध्यायते हे पुत्राः। माता पिता दोनों 6 महीने लगातार अपने पुत्र को ध्यान करते रहे, मनाते रहे और बार बार उन्हें भजते रहे, हे कार्तिकेय मान जाओ, कार्तिकेय मान जाओ। 15 दिन मम्मी, 15 दिन पापा, कार्तिकेय जी को मनाते, कार्तिकेय मनाते मनाते थक गए शंकर पार्वती, पर कार्तिकेय ध्यान से नहीं उठते और अपने माता पिता को समझाते, क्यों जिद कर रहे हो, मैं आपका ध्यान करके मुक्ति चाहता हूं और आप मुझे प्रपंच में डालना चाहते हो। अंत में कार्तिकेय भगवान पर्वत छोड़ के चले गए, कौंच पर्वत के और चले गए दूसरी दिशा में, दक्षिण में, वहां जाकर बैठ गए। अब तो माता पार्वती और शिवजी ने निश्चय कर लिया कि हमें हट नहीं करनी चाहिए, बालक उचित कर्म कर रहा है और अब ये परीक्षा में पास हो गया है, अब ये भक्ति से कभी नहीं हटेगा। शंकर पार्वती परीक्षा ले रहे थे, कार्तिकेय अटल हो गए भक्ति में, तो माता पार्वती और शंकर ने निश्चय कर लिया कि हे पुत्र कार्तिकेय, जहां तुम रहोगे वहीं हम रहेंगे, अब हम नहीं जाएंगे कैलाश। शंकर पार्वती कार्तिकेय महाराज के साथ ही रहने लगे कौंच पर्वत पर। अचानक शंकर भगवान को कैलाश पर हलचल दिखी, गण परेशान हो गए, तो भगवान शंकर ने गणों को सुख देने के लिए पार्वती को बताया कि पार्वती, अब हमें अपने रूप लेकर कैलाश जाना पड़ेगा, नहीं तो सृष्टि का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कैलाश से ही दुनिया चलती है। इसलिए भगवान ने पार्वती और शंकर के रूप में कैलाश की ओर प्रस्थान किया और शंकर पार्वती दोनों ने ज्योतिर्लिंग के रूप में कौंच पर्वत पर कार्तिकेय भगवान में प्रवेश किया और कार्तिकेय को कहा, पुत्र तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के हम तुम्हारे साथ में यही ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योति के रूप में स्थापित होंगे। वैसे क्रम से है, अगर हम कथा सुने तो यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, ये दूसरा। पर कथा का क्रम अच्छा चल रहा था, कार्तिकेय भगवान और गणेश के विवाह का, तो फिर मैंने कथा को कंटिन्यू करते हुए आपको आज ये कथा सुनाई कि भगवान शिवजी मल्लिका अर्जुन महादेव के रूप में कैसे प्रकट हुए, तो उसमें उनके पुत्र कार्तिकेय की भूमिका सबसे अधिक है। कार्तिकेय भगवान अखंड ब्रह्मचारी होकर के जब भजन के लिए चले गए कैलाश छोड़ के, तो माता पिता भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चले गए। जब नहीं लौटे तो भगवान शंकर पार्वती ने मल्लिका अर्जुन के रूप में कौंच पर्वत पर अपनी स्थापना कर दी और कार्तिकेय को वरदान दे दिया, जो भी कौंच पर्वत पर आकर के कार्तिकेय का ध्यान दर्शन करेगा उसे मल्लिका अर्जुन महादेव के फल प्राप्त होंगे और जिनके विवाह नहीं होते हैं वो मल्लिका अर्जुन महादेव पर आकर के अर्चन बंधन करेंगे 15 दिन, उनका विवाह निश्चित हो जाएगा, उनका योग आ जाएगा। ऐसा महत्व बताकर भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर चले गए और कार्तिकेय भगवान मल्लिकार्जुन महादेव के रूप में कौंच पर्वत पर स्थापित हो गए। ये कथा है भगवान शंकर पार्वती और कार्तिकेय की।